दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली है 156 JLO के पदों पर वैकेंसी, जिसके अंतर्गत 26 सितंबर 2019 से आवेदन करना प्रारंभ हो गए हैं। यदि आप भी LLB पास आउट है तो आप इसके लिए आवेदन जरूर करें। दोस्तों हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से वर्ष 2013 में RPSC द्वारा लिए गए JLO के प्रश्न पत्र को सॉल्व करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय संविधान के प्रश्न पत्र को सॉल्व करवा दिया है तथा इस वीडियो सीरीज में हम सेकंड पेपर अर्थात CPC और CRPC के प्रश्न पत्र को सॉल्व करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 से 50 तक का वीडियो हम बना चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 51 से लेकर 75 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी यह वीडियो। दोस्तों प्रश्न संख्या 51 कहता है कि विचाराधीन प्रकरण में कितना ब्याज दिलाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है 6%, 9%, 12% या कोई ब्याज नहीं दिलाया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को RPSC द्वारा डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि प्रश्न थोड़ा विरोधाभासी था इसीलिए। तो दोस्तों धारा 34 के अंतर्गत ब्याज के बारे में प्रावधान किए गए हैं, वह ब्याज मनी सूट पर दिलाया जाता है जो कि 6% तक का होता है, परंतु वर्ष 2013 में RPSC द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ विचाराधीन प्रकरण में ब्याज पूछा गया है, मनी सूट में नहीं। परंतु यदि पूछा जाए कि धारा 34 के तहत कितना प्रतिशत ब्याज दिलाया जाता है तो 6% ब्याज होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि CPC के आदेश 34 के अंतर्गत कोई वाद दाखिल किया जाएगा, लघु वाद न्यायालय में, नगर सिविल न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या उपरोक्त सभी में। दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी में, अर्थात धारा ऑर्डर 37 के अंतर्गत कोई वाद दाखिल किया जाता है तो लघु वाद न्यायालय में, सिविल न्यायालय में और उच्च न्यायालय में, सभी जगह प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों ऑर्डर 37 के अंतर्गत संक्षिप्त प्रक्रिया अर्थात समरी प्रोसेस के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत समरी ट्रायल का प्रावधान दिए गए हैं। तो समरी ट्रायल के जो वाद हैं वो लघु वाद न्यायालय में, नगर सिविल न्यायालय में और उच्च न्यायालय में, सभी जगह प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आदेश 32 के से संबंधित है। आपके ऑप्शन है अवयस्क और विकृत व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, कुटुंब से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से संबंधित वाद, निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि आदेश 32 नियम के अवयस्क कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित वाद से संबंधित है, अर्थात सेकंड इसका सही आंसर है। दोस्तों आदेश 32 के कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित वाद के बारे में प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत कुटुंब के संबंधित मामलों के बारे में विभिन्न प्रोसीडिंग बताई गई है, जिसके अंतर्गत कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना, निपटारे के प्रयत्न के लिए न्यायालय का कर्तव्य, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता, तथ्यों की जांच करना और कुटुंब का अर्थ, फैमिली का मीनिंग जो दिया गया है वो ऑर्डर 32 रूल 1 में दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि राजदूतों के विरुद्ध कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में जो कि अन्यथा ऐसे वाद का विचारण करने में सक्षम है, सहमति से लाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति से, केंद्र सरकार से, उच्चतम न्यायालय से या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है केंद्र सरकार की अनुमति से लाया जा सकता है। यह प्रश्न CPC के सेक्शन 86 अर्थात 86 से पूछा गया है, जिसके अंतर्गत राजदूतों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। दोस्तों धारा 86 का मूल पाठ कुछ इस प्रकार है कि विदेशी राज्यों, राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वाद
विदेशी राज्य पर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में जो अन्यथा ऐसे वाद का विचारण करने के लिए सक्षम है, केंद्र सरकार की ऐसी अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकेगा जो उस सरकार के किसी सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित की गई हो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा केंद्र सरकार की अनुमति से। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार में किसकी अनुमति से, तो किसी सचिव द्वारा लिखित रूप से प्रमाणित की गई हो ऐसी अनुमति से राजदूतों के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है कि ऑर्डर 37 के अंतर्गत एक वाद इन आधारों पर दायर किया जा सकता है: विनिमय पत्रों, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, वचन पत्र प्रोमिसरी नोट या ऑल ऑफ द अबाव। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबाव, अर्थात ऑर्डर 37 के अंतर्गत विनिमय पत्रों, हुंडियों और वचन पत्रों सभी के आधार पर वाद लाया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, वादार्थ संरक्षक कौन होता है? आपके ऑप्शन है, एक व्यक्ति जो अवयस्क की तरह से वाद की अवयस्क की तरफ से वाद की प्रतिरक्षा करता है, एक प्रापक, एक स्थानीय कमिश्नर या एक न्यायालय। तो इसका सही आंसर है, एक व्यक्ति जो अवयस्क की ओर से प्रतिरक्षा करता है वह वादार्थ संरक्षक कहलाता है। प्रश्न संख्या 57 है कि सीपीसी के ऑर्डर 33 रूल 1 के अनुसार एक व्यक्ति निर्धन होगा यदि उसके पास नहीं है इतना पर्याप्त साधन कि वह वादपत्र की निर्धारित फीस दे सके, 500 रुपए से ज्यादा की संपत्ति, जीविका के लिए पर्याप्त साधन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है नंबर 1, अर्थात इतने पर्याप्त साधन नहीं है कि वह वादपत्र की निर्धारित फीस दे सके, वह व्यक्ति निर्धन व्यक्ति की श्रेणी में आता है ऑर्डर 33 रूल 1 के अंतर्गत। निर्धनी व्यक्ति अर्थात किंचन व्यक्ति के बारे में प्रावधान किए गए हैं, अर्थात निर्धन व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके पास इतना साधन, पर्याप्त साधन नहीं है कि वह वादपत्र की निर्धारित फीस दे सके। दोस्तों, आपको यहां बता दें कि ऑर्डर 33 में निर्धन व्यक्ति के वाद के बारे में प्रावधान है तथा ऑर्डर 44 के अंतर्गत निर्धन व्यक्ति के द्वारा अपील के प्रावधान दिए गए हैं। वैसे ऑर्डर 22 भी कुछ निर्धन और गरीब व्यक्ति के बारे में ही प्रावधान करता है, अर्थात ऑर्डर 22, 33 और 44 सभी निर्धन व्यक्ति के बारे में प्रावधान करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आदेश 29 सीपीसी संबंधित है: सरकार द्वारा वाद, निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद, निगमों या उनके विरुद्ध वाद निम्नलिखित में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। दोस्तों, यदि आपको पिछले प्रश्न का आंसर पता होता तो यह वाला तो वैसे भी हट जाता, क्योंकि निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद तो ऑर्डर 33 के अंतर्गत दिया गया है। ऐसे में ऑर्डर 29 के अंतर्गत निगम द्वारा या उसके विरुद्ध वाद ही लाया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, पक्षकारों द्वारा गवाह की सूची पेश करनी चाहिए: वादपत्र के साथ लिखित कथन के साथ, विवादकों की रचना के पूर्व, विवादकों की रचना के बाद गवाहों की सूचना पेश करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है विवादकों की रचना के बाद, अर्थात जब न्यायालय द्वारा आफ्टर फ्रेमिंग इश्यूज, जब इश्यूज का निर्धारण कर दिया जाता है तो सीपीसी के आदेश 16 रूल 1 के अनुसार आपको गवाहों की सूची पेश करनी होती है न्यायालय द्वारा। उसी सूची गवाह के आधार पर गवाहों को तलब किया जाता है, अर्थात ऑर्डर 16 रूल 1 में लिखा है सूची गवाह के बारे में कि सूची गवाह कब पेश करनी होगी, आफ्टर फ्रेमिंग इश्यूज, अर्थात इश्यूज के निर्धारण के बाद। प्रश्न संख्या 60 है, दाम दुपट का नियम क्या है?
या दाम दुपट का जो नियम है वो किस चीज से संबंध रखता है? लागत से संबंधित एक नियम है, ब्याज से संबंधित एक नियम है, साक्ष्य से संबंधित एक नियम है, या पूर्व न्याय से संबंधित एक नियम है? तो दोस्तों, दाम दुपट का जो नियम है वो एक हिंदू लॉ का नियम है वैसे, और यह ब्याज से संबंधित एक नियम है जिसके अनुसार कहा गया है कि कभी भी मूलधन की राशि, कभी भी ब्याज की जो राशि है वो मूलधन की राशि से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात यदि आपने किसी को 100 रुपये ब्याज पर लिए हैं तो 100 रुपये अगर उसका मूलधन है तो ब्याज की राशि 100 रुपये से अधिक नहीं हो सकती। यह दाम दुपट का नियम है। आपका अगला प्रश्न है कि अनुरोध पत्र होता है एक अनुषांगिक कार्रवाई है, कमीशन के बदले अनुरोध पत्र भेजा जाता है साक्षी हेतु जो भारत के बाहर हो या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अनुरोध पत्र एक अनुषांगिक कार्रवाई है, कमीशन के बदले भी जब न्यायालय किसी को कमीशन जारी करता है तो उनको भी अनुरोध पत्र भेजता है, और ऐसे साक्षी जो भारत से बाहर निवास कर रहे हैं या बाहर रह रहे हैं उन सभी के लिए अनुरोध पत्र भेजा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि अपील न्यायालय को यह शक्ति होगी कि वह मामले को प्रतिप्रेक्षण करे, टू रिमांड ए केस, विवादक विरचित करे और विचारण के लिए उसे निर्देशित करे, मामले का अंतिम रूप से अवधारण करे, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अपील न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वह मामले को वापस से रिमांड कर दे, इश्यूज फ्रेम करे और विचारण करने के लिए निचली कोर्ट को वापस से निर्देशित करे, रेफर कर दे और मामले को अंतिम रूप से स्वयं ही निर्धारण कर दे। ये सभी कार्य अपीलीय न्यायालय कर सकता है। आपका अगला प्रश्न है कि वाद में सीपीसी के तहत संशोधन किया जाता है, अर्थात आपको बताना है कि सीपीसी के अंतर्गत कौन से आदेश के तहत संशोधन किया जा सकता है वाद पत्र में। आपके ऑप्शन है आदेश 6 नियम 18A के अनुसार, और आदेश 6 नियम 18 के अंतर्गत, आदेश 6 नियम 16 के अंतर्गत, या आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आदेश 6 नियम 17। दोस्तों, आदेश 6 नियम 17 में लिखा गया है कि वाद पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। दोस्तों, 6.17 में लिखा है कि जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि वाद संस्थित करने के पश्चात कुछ ऐसे नए तथ्य अस्तित्व में आ गए हैं जिनके कारण उनमें संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है, अथवा विधि में परिवर्तन हो जाने के कारण संशोधन अनिवार्य हो गया है, वहां वह पक्षकारों को अभिवचन में संशोधन और परिवर्तन करने की अनुज्ञा दे सकेगा। दोस्तों, जब 6.17 के तहत आपको इस बात के लिए आदेश दे दिया जाता है कि आप उसमें संशोधन करें, तो आदेश की तारीख से 14 दिन के भीतर आपको संशोधन पेश करना ही होगा। यह बात 6.18 में लिखी गई है। आपका अगला प्रश्न है सीपीसी के आदेश 12 नियम 6 के प्रयोजनों के लिए तथ्यों की स्वीकृति अभिवचन में होनी चाहिए, अन्यथा होनी चाहिए, या तो अभिवचन में हो सकती है या अन्यथा, केवल अभिवचन में या और अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है या नंबर 3, या तो अभिवचन में हो सकती है या अन्यथा। दोस्तों, आदेश 12 नियम 6 के अंतर्गत स्वीकृतियों के बारे में प्रावधान किए गए हैं कि जहां स्वीकृतियां या तो आप प्लीडिंग में ला सकते हैं या अदर प्रोसेस के जरिए अदरवाइज भी आप स्वीकृति दे सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति दी गई है कौन से सेक्शन में। आपको बताना है कि यदि आपने कोर्ट फीस कम लगाई है तो कौन से सेक्शन के तहत आप उस कोर्ट फीस की कमी को पूरा कर सकते हैं। धारा 148, धारा 149, धारा 150 और धारा 158। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है धारा 149। धारा 149 में प्रावधान दिए गए हैं कि
यदि आपने कोर्ट फीस कम लगाई है तो आप कोर्ट फीस की कमी को पूरा कर सकते हैं। धारा 149 का मूल पाठ कुछ इस प्रकार है कि जहां न्यायालय फीस से संबंधित तस्मय प्रवर्त किसी विधि द्वारा किसी दस्तावेज के लिए विहित पूरी फीस या उसका कोई भाग संदत नहीं किया गया है, वहां जिस व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस संदेह है उसे न्यायालय किसी भी प्रक्रम में स्वयं विवेकानुसार अनुज्ञात कर सकेगा कि वह यथास्थिति ऐसी पूरी न्यायालय फीस या उसका कोई भाग संदत करे और ऐसा संदाय किए जाने पर उस दस्तावेज का जिसके बाबत वह फीस संदेह है वही बल और प्रभाव होगा मानो ऐसी फीस पहली बार में ही संदत कर दी गई थी। दोस्तों ये धारा 149 में बताया गया है और धारा 148 में बताया गया है समय सीमा का बढ़ाया जाना, यानी जब कोर्ट जो तारीख आगे बढ़ाती है, जो हमें तारीख देती है सिविल प्रोसेस के अंतर्गत, तो वो तारीख जो है वो धारा 48 के अंतर्गत दी जाती है। और धारा 48(1) जो है वो आपको पता ही है केवीएट से संबंधित रखती है, केवीएट 90 दिन के लिए वैलिड होती है, ये प्रश्न इसी प्रश्न पत्र में एक बार पूछा जा चुका है। और धारा 150 कारोबार के अंतरण के बारे में प्रावधान करती है। धारा 158 सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य निर्सित अधिनियमों के प्रति निर्देश के बारे में प्रावधान करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है डिक्री में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण करना, व्यतिक्रम के लिए खारिज कोई आदेश या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 3 अर्थात व्यतिक्रम के लिए खारिज कोई आदेश डिक्री में शामिल नहीं है। अर्थात आपने कोई चूक की है, आपने व्यतिक्रम किया है और इस कारण से कोर्ट अगर आपके वाद को खारिज कर दे और उसके आधार पर जो डिक्री बने वो डिक्री नहीं होती, वो डिक्री में शामिल नहीं है। इसके अलावा यदि कोर्ट ने वाद को नामंजूर किया है तो वह डिक्री है, धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण किया है तो वह भी डिक्री है, परंतु व्यतिक्रम के लिए खारिज किया है तो वो डिक्री में शामिल नहीं होगा। दोस्तों यह वीडियो सीरीज चलाए जाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि वो जब वर्ष 2013 में कई प्रश्न एक ही प्रश्न पत्र में से रिपीट हुए हैं, ऐसे में इस प्रश्न पत्र के या जेलों के जो 2013 का प्रश्न पत्र हैं चारों, उनमें से कई प्रश्न पत्र के कई प्रश्न वापस से रिपीट होने के पूरे चांस हैं। ऐसे में मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे द्वारा चलाए जा रहे इस वीडियो सीरीज को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर, और साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों यदि आपने वीडियो देखा है और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके द्वारा लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके द्वारा लाइक करने से और आपके द्वारा शेयर करने से ऐसी जानकारी आपके दोस्तों को भी मिलती है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न है इसी प्रश्न पत्र का कि धारा 26(2) के अंतर्गत प्रत्येक दावे में तथ्यों को साबित किया जाएगा, सबूत द्वारा, साक्ष्य द्वारा, दस्तावेज द्वारा या शपथ पत्र के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है धारा 26(2) कहती है कि प्रत्येक दावा शपथ पत्र के से साबित किया जाएगा। दोस्तों धारा 26 कहती है कि वादों का संसिद्ध किया जाना, धारा 26(1) है कि हर वादपत्र को उपस्थित करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा कि विहित किए जाए संसिद्ध किया जाएगा, और धारा 26(2) में लिखा है कि प्रत्येक वादपत्र के तथ्य शपथ पत्र के द्वारा साबित किए जाएंगे।
आपका अगला प्रश्न है कि सीपीसी के आदेश 5 नियम 9 के सब नियम 3 के तहत प्रतिवादी को सम्मन की तामील सर्विस ऑफ सम्मन के लिए खर्च वहन कौन करेगा? वादी के द्वारा, न्यायालय द्वारा, प्रतिवादी द्वारा, या आंशिक रूप से वादी और आंशिक रूप से प्रतिवादी? तो दोस्तों, जब आप कोर्ट में दावा पेश करते हैं तो सम्मन जो भिजवाए जाते हैं तो आप तलवाना लगाते हैं, तलवाना जो होता है वो वादी के द्वारा ही लगाया जाता है, यानी सर्विस ऑफ सम्मन जो है वो बर्डन किस पे है? ये वादी पे है, यानी कि प्रतिवादी को सम्मन के लिए जो सर्विस होगा उसका खर्च कौन वहन करेगा? वादी स्वयं वहन करेगा। आपका अगला प्रश्न है, एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति द्वारा वाद लाया और प्रतिरक्षा कर सकेगा, यह प्रावधान कहां दिए गए हैं? आपके ऑप्शन है आदेश 1 नियम 1, आदेश 1 नियम 8, आदेश 2 नियम 2, आदेश 22 नियम 4। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आदेश 1 नियम 8। आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत यह प्रावधान दिए गए हैं कि एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। दोस्तों, आदेश 1 नियम 8 कहता है कि एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा, जहां कि एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले व्यक्ति बहुत से व्यक्ति होते हैं, वहां उस व्यक्ति प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा, ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये प्रावधान है आदेश 1 नियम 8 में। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको आदेश और सेक्शन दिए हैं, एक तरफ उनके अंतर्गत आने वाली विषय वस्तु बताई गई है। तो नंबर 1 है अस्थायी व्यादेश, आदेश 39 के अंतर्गत, बिल्कुल सही है, अस्थायी व्यादेश आदेश 39 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा, केवीएट दायर करने का अधिकार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया धारा 148A के अनुसार केवीएट दायर करने का अधिकार दिया गया है। निर्धन व्यक्ति का वाद, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि आदेश 33 के अंतर्गत निर्धन व्यक्ति का वाद दिया गया है और निर्धन व्यक्ति की अपील दे रखी है 44 में। तो और नंबर 4 आता है कि अपीलीय न्यायालय की शक्ति, तो दोस्तों यह कॉम्बिनेशन गलत है। धारा 102 के अंतर्गत दिया गया है कि कतिपय मामलों में द्वितीय अपील का ना होना, किसी डिग्री में कोई भी द्वितीय अपील नहीं होगी जब मूल वाद की विषय वस्तु 25,000 रुपए से अधिक की नहीं है। यह प्रश्न भी इसी प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है कि अपील कब नहीं होगी जब 25,000 रुपए से अधिक की विषय वस्तु नहीं है तो उसकी अपील नहीं हो पाएगी। तो ये प्रावधान दे रखे हैं किसमें, 102 में, यानी अपीलीय न्यायालय की शक्ति नहीं दे रखी। अपीलीय न्यायालय के बारे में बताया हुआ है कि जब विषय वस्तु 25,000 रुपए से अधिक की नहीं होगी तो अपील नहीं होगी। आपका अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न कि एक्स दिल्ली में रहता है, वाई के विरुद्ध मानहानिजनक कथनों का प्रकाशन कलकत्ता में करता है, तो वाई एक्स के विरुद्ध वाद दायर कर सकेगा कहां? आपके ऑप्शन है सिर्फ दिल्ली में, सिर्फ कलकत्ता में, भारत में किसी भी जगह, या तो दिल्ली और या कलकत्ता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है या तो दिल्ली या कलकत्ता, अर्थात जहां वादी निवास कर रहा है या जहां प्रतिवादी निवास कर रहा है। तो एक्स दिल्ली में रह रहा है और वाई के विरुद्ध उसने मानहानिजनक कथनों का प्रकाशन कलकत्ता में किया है, तो दोनों ही जगह वो चाहे तो वाद दायर कर सकता है, या तो दिल्ली या कलकत्ता। आपके अगला प्रश्न है कि वाद पदों की रचना, अर्थात फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करना किसका कर्तव्य है? पक्षकारों का कर्तव्य है, पक्षकारों के अधिवक्ताओं का कर्तव्य है,
न्यायालय का कर्तव्य है या सरकारी वकील का कर्तव्य है। तो दोस्तों, कब जब कोई आप सिविल सूट बनाते हैं, पेश करते हैं कोर्ट में, तो उसमें इश्यूज बनाना ड्यूटी ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की ड्यूटी है, ये न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इश्यूज बनाए उनके लिए। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो है वो न्यायालय की ड्यूटी है, न्यायालय का कर्तव्य है, अर्थात इसका सही आंसर है नंबर 3। और ये बात ऑर्डर 14 रूल 1 में दे रखी है, ऑर्डर 14 रूल 1 में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिस्थापित तामील के अंतर्गत की जाती है, कौन से आदेश के तहत प्रतिस्थापित तामील की जाती है? आपके ऑप्शन है आदेश 2 नियम 2, आदेश 22 नियम 4, आदेश 5 नियम 19, आदेश 5 नियम 20। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आदेश 5 नियम 20। आदेश 5 नियम 20 में प्रतिस्थापित तामील के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, आदेश 5 नियम 20 में प्रतिस्थापित तामील की जो प्रावधान है उसका मूल पाठ कुछ इस प्रकार है कि जहां न्यायालय को यह समाधान हो जाता है और यह विश्वास करने के लिए कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर तामील ना हो पाए सामने आने से बच रहा है, या सम्मन की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती है, तो वहां न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि सम्मन की तामील उसके एक प्रति न्यायालय सदन के किसी भी सहज दृश्य स्थान पर लगाकर, और यदि ऐसा कोई ग्रह है तो उस ग्रह के जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार निवास करना या कारोबार करना या अभिलाप के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है, उसके किसी सहज दृश्य भाग पर लगाकर या ऐसी अन्य रीति से जो कि न्यायालय ठीक समझे कर सकता है। अर्थात जहां प्रतिवादी निवास कर रहा है या उसके लिए कारोबार कर रहा है लाभ के लिए, या जहां अंतिम बार सुना गया था कि वह व्यक्ति वहां काम कर रहा है, तो वहां पर सहज दृश्य स्थान पर उसकी एक प्रति चिपका दी जाएगी, वही प्रतिस्थापित तामील कहलाता है। और यह प्रावधान है किसके अंतर्गत? आदेश 5 नियम 20 के अंतर्गत। दोस्तों, आदेश 5 नियम 19 में भी तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा के बारे में प्रावधान दिए गए। आपका अगला प्रश्न है कि निष्पादन विक्रय के आगमों की डिक्रीदारों के बीच अनुपातिक वितरण का प्रावधान क्या होगा, यानी कि जो एक्सिक्यूशन की जो डिक्री है उसमें आगमों की जो डिक्रीदारों के बीच अनुपातिक वितरण का प्रावधान कौन से सेक्शन में दे रखा है? आपके ऑप्शन है धारा 60, धारा 73, धारा 75 या धारा 80। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कि धारा 73, धारा 73 में यह प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, धारा 73 में का मूल पाठ कुछ इस प्रकार है कि जहां आस्तियां न्यायालय द्वारा धारित है और ऐसी आस्तियों की अभिप्राप्ति के पूर्व एक से अधिक व्यक्तियों ने धन के संदाय की ऐसी डिक्रियों के जो कि एक ही निर्णित ऋणी के विरुद्ध पारित हैं निष्पादन के लिए आवेदन न्यायालय से किए हैं और उनकी तुष्टि अभिप्राप्त की गई है, वहां आपन के खर्चों को काट लेने के पश्चात वे आस्तियां ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच अनुपातिक रूप में वितरित कर दी जाएंगी। अर्थात जो न्यायालय के जो खर्च लगे हैं उन खर्चों को काट लेने के पश्चात जो बचे हुए हैं उनका अनुपातिक तौर पर वितरण कर दिया जाएगा। यह प्रावधान है धारा 73 के अंतर्गत। आपका अगला प्रश्न है, और वर्ष 2013 के जेलों के सीपीसी के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में सबसे अंतिम प्रश्न है ये, इसके बाद सीआरपीसी के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो यह प्रश्न कहता है कि आदेश 38 नियम 13 के अंतर्गत कौन सी न्यायालय को अचल संपत्ति कुर्क करने का अधिकार नहीं है? डीजे कोर्ट अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, सिविल न्यायालय, कनिष्ठ खंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है लघुवाद न्यायालय को, यानी स्मॉल कॉजेस कोर्ट को किसी भी अचल संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार नहीं है। ऐसे प्रावधान आदेश 38 नियम 13 में दिए गए हैं। दोस्तों, आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ऑन कर लें। कई बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं पर नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन नहीं कर पाते, उसी के चलते आपको हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाता। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं सीआरपीसी के प्रश्न संख्या 76 से लेकर 100 तक के वर्ष 2013 के जेएलओ के इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।